तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा ब्लेरो न्यू कार की, और इस कार के क्या न्यू फीचर्स हैं वो आज आपके सामने हम शेयर करेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको न्यू व्हीकल से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम इसके प्राइस की बात कर लें तो 8,48,000 रुपये से लेकर 10,99,000 रुपये तक की रेंज में आपको ये महिंद्रा ब्लेरो न्यू कार पड़ जाती है। इसके बैक लाइट में आपको LED बल्ब्स मिल जाते हैं, DRL मिल जाता है। इसके बैक टायर की बात करें तो ट्यूबलेस टायर्स मिल जाता है आपको, alloy व्हील्स मिल जाते हैं इसमें आपको। और बात करें अगर हम इसके स्टीयरिंग की तो इसके स्टीयरिंग पे आपको बटन्स मिल जाते हैं और महिंद्रा कंपनी का लोगो मिल जाता है, और इसमें आपको एनालॉग मीटर मिल जाता है। बात करें अगर हम इसके इंजन टॉर्क की तो 260 Nm से 1,750 RPM तक का जो इसका इंजन है वो टॉर प्राप्त करता है। बात करें अगर हम इसके माइलेज की तो 17.29 किलोमीटर पर लीटर का आपका यो माइलेज प्रदान करवाती है। बात करें अगर हम इसके इंजन पावर की तो 100 BHP से 3,750 RPM तक का जो इस कार का इंजन है वो पावर डेवलपमेंट करता है। बात करें अगर हम इसके मीटर की तो मीटर में आपको एनालॉग मीटर मिल जाता है, यानी सुई वाला आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, और इसमें आपको बटन्स मिल जाते हैं और इसमें बल्ब्स मिल जाते हैं आपको। बात करें अगर हम इसके अंदर आपको इसके इसमें डिस्प्ले मिल जाती है, AC मिल जाता है इसमें आपको, और इसमें आपको FM रेडियो मिल जाता है, स्पीकर्स मिल जाते हैं हाई क्वालिटीज़ वाले। और बात करें अगर हम इसके इमिशन टाइप की तो ये BS6 है, और अगर हम इसके इंजन टाइप की बात करें तो 1,493 cc का आपको इसका इंजन मिल जाता है। 3 सिलेंडर्स मिल जाते हैं, 4 वाल मिल जाते हैं आपको इसमें। और अगर हम इसके व्हील्स की बात करें तो अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। टर्निंग रेडियस की बात करें तो 5.35 आपको इसकी टर्निंग रेडियस मिल जाती है। और आपको बात करें अगर हम इसके फ्रंट व्हील की तो उसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और अगर बात करें हम इसके रियर व्हील की तो उसमें आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है। और अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो 3,995 mm आपको इसकी लंबाई मिल जाती है, और चौड़ाई की बात करें तो 1,795 mm आपको इसकी चौड़ाई मिल जाती है। व्हील बेस की बात करें तो 2,680 mm आपको इसका व्हील बेस मिल जाता है, और फ्रंट में आपको लोगो मिल जाता है महिंद्रा कंपनी का, और DRL मिल जाता है आगे फ्रंट में। बात करें अगर हम इसके सीटिंग की तो इसमें जो सीट है वो आपको 7-सीटर कार मिल जाती है ये, और इसमें आपको फुल डिस्क स्क्रीन मिल जाती है, यानी डिस्प्ले मिल जाती है फुल स्क्रीन आपको, और इसमें आपको ऑटोमेटिक सिस्टम मिल जाता है। और सीटिंग रोज़ की बात करें तो वो 3 है, और अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें वो 384 आपको इसका बूट स्पेस मिल जाता है। स्टीयरिंग टाइप की बात करें तो पावर असिस्टेड मिल जाती है, और ड्राइव ट्रेन की बात करें तो RWD मिल जाता है। फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है, FM रेडियो, स्पीकर्स, USB चार्जर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। और अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो 5 है, और इसकी जो सीट है वो आपको न्यू लुक में मिल जाती है। बात करें अगर हम इसके हाइट की तो 1,817 mm आपको इसकी हाइट मिल जाती है, और अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो 50 लीटर की आपको इसकी फ्यूल टंकी मिल जाती है, और 5 डोर्स मिल जाती हैं इसमें आपको। और बात करें अगर हम इसके फीचर्स की तो आपको न्यू इसमें फ़ीचर्स मिल जाते हैं, न्यू कलर्स में आपको ये कार मिल जाती हैं। बात करें अगर हम इसके टायर्स की तो आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं,